हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करते हैं बीआरए मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा जो कि आरबीआई के बारे में, तो आई बटन में लिंक आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो प्लीज उसे जाके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेशन एक्ट 1949, 10 मार्च 1949 को यह एक्ट लाया गया। चलिए आप जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बहुत शांति से जानेंगे, हर एक चीज को, हर एक पहलू को बहुत गौर से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी, क्यों ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लाया गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, 10 मार्च 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया। अब मैंने इसमें लिखा है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कारण बड़ा ही सिंपल है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले से ही बैंकिंग तो आ चुकी थी। और बैंकिंग आ चुकी थी, पर जो कॉन्फिडेंस था कस्टमर का पैसे रखने को लेकर, लोन लेने को लेकर, वो कॉन्फिडेंस कस्टमर का बैंक जीत नहीं पाए थे। उसके पीछे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे होता क्या था कि मान के चलिए किसी कस्टमर ने लोन लिया 10% पे, पर जब वो चुका रहा है लोन तो वो 20% पे चुका रहा है। तो मतलब बैंक मनमानी टाइप की करता था। मान के चलिए कस्टमर ने 10,000 रुपये जमा किए बैंक में, पर वो बता रहा है कि नहीं, आपके अकाउंट में 3,000 रुपये। तो इस तरीके की धोखाधड़ी काफी ज्यादा चलती थी पहले, ठीक है, जब तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया नहीं था। तो नो कॉन्फिडेंस इन कस्टमर्स में कॉन्फिडेंस की कमी थी। पुअर लिक्विडिटी एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि लिक्विडिटी की कमी थी। लिक्विडिटी मतलब पैसा, तरलता की कमी थी, पैसा नहीं था बैंक के पास। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिसने हम पर हुकूमत की, ब्रिटिश ने, वो हमारा पूरा का पूरा जो संपत्ति थी, जो पैसा था, वो चुरा कर ले गए थे हमसे। ये दो कारण थे। तीसरा कारण था फ्रॉड। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया था बैंकिंग इंडस्ट्री में। आज आप देखते हैं कई सारे फ्रॉड निकल के आते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, पर सोचिए जब आज आरबीआई है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, और इतने सारे एक्ट होने के बावजूद जब इतने फ्रॉड निकल के, फ्रॉड केसेस निकल के आते हैं, तो उस समय जब कोई एक्ट नहीं था, कोई ऐसा रूल नहीं था, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, तब क्या होता होगा, है ना। और चौथा कारण था नो गारंटी ऑफ मनी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपने 10,000 रुपये रखे हैं और आपको 3,000 बताए जा रहे हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जरूरत पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, समय लगेगा, सीखने में समय लगता है, तो इस वीडियो को वही बच्चे देखें जो सीखना चाहते हैं, है ना। तो क्योंकि ये वीडियो इस वे में बनाया जा रहा है, वैसे मैं इसका शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का यदि आप शॉर्ट देखना चाहते हो तो शॉर्ट्स भी मैं आपको कमेंट कॉलम और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें 1 मिनट में समझा दूंगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में। पर यदि दोस्तों आप अच्छे समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो जितना भी बढ़ा जाए आपको देखना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अभी तक 4 मिनट हो चुके हैं, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, पर हम शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एकदम बेसिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर से कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को वक्त लेता हूं पर समझाता पूरी अपनी मेहनत से हूं, अपनी पूरी दम लगा करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। बैंकिंग कंपनीज मतलब बैंकिंग कंपनी से कुछ और मत समझो, बैंक की ही बात हो रही है, ठीक है। आर गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हर एक चीज समझाऊंगा, याद रखना दोस्तों। तो बैंक्स की बात हो रही है सिंपली, तो ये गवर्न होते हैं, गवर्न मतलब कंट्रोल होते हैं, चलते हैं किसके द्वारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बुक्स में लिखा रहता है सेक्शन 5, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की मीनिंग को, बैंकिंग की मीनिंग को डिफाइन किया जाता है सेक्शन 5 के अंडर, कुछ बुक्स में लिखा रहता है। पर यदि मैं आपको करेक्ट बताऊं तो सेक्शन 5 और ये जो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है ना, इसको सब सेक्शन बोला जाता है। जब आप लॉ में पढ़ते हैं तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, सेक्शन 5 सब सेक्शन बी में बैंकिंग को डिफाइन किया गया है। चलिए मैं आपको डिफाइन करता हूं बैंकिंग को, कि बैंकिंग को क्या कहा गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5 सब सेक्शन बी में। तो बैंकिंग को बताया गया कि मीन द एक्सेप्टिंग ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, मतलब एक्सेप्टिंग मतलब लेना, आप किसी से कुछ ले रहे हो, ठीक है, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लेंडिंग मतलब देने के लिए, लोन देने के लिए, लेंडिंग का मतलब लोन होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मान के चलिए आपने किसी से पैसा लिया, मतलब आप उस किसी मतलब बैंक ने बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया। मान के चलिए मैं बैंक हूं, आपने जो वीडियो देख रहा है उसने अकाउंट खुलवाया, मुझे कुछ पैसे दिए, तो उस पैसे का मैं यूज कैसे कर सकता हूं, किसी को उधार दे सकता हूं, या फिर मैं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में उससे कोई शेयर खरीद सकता हूं, है ना। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, तो पब्लिक ही हुए आप, आपने जो मेरा वीडियो देख रहा है उसने मेरे को मतलब बैंक को पैसा दिया, तो वो डिपॉजिट किसने किया, आप ही ने किया ना, है ना। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब जो पैसा मुझे मिलता है, जो बैंक को पैसा मिलता है, वो बैंक पैसा एक जगह पर रख नहीं देता, उसको घुमाता है, वो उसको लोन बांटता है, उसका इन्वेस्टमेंट करता है ना। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, और वो पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक का डिपॉजिट होता है। पर रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, पर जब कस्टमर आके बोलता है कि भैया लाओ मेरा पैसा दे दो, मेरे को जरूरत है, तो उस कंडीशन में बैंक आपके सारे पैसे आपको लौटा भी देता है, एंड विड्रॉल बाय चेक के द्वारा, ड्राफ्ट, ऑर्डर एंड अदरवाइज, और दूसरे सिस्टम्स के थ्रू आप विड्रॉ भी अपना पैसा कर सकते हैं। क्लियर यहां तक मेरी बात, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बैंकिंग मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बता दी, मतलब जिसमें जो मीनिंग थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 5 सबसेक्शन बी के अंदर, जो मीनिंग थी वो मैंने आपको समझा दी। चलिए आप चलते हैं मेन प्रोविजन जानते हैं क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, मीनिंग तक हम देख चुके हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। तो यहां तक हम एक चीज ये भी जान चुके हैं कि ये एक्ट इसलिए लाया गया जिससे कि हम सेफगार्ड कर सकें कस्टमर का इंटरेस्ट, सेफगार्ड कर सकें कस्टमर को, एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकें कि भाई आपका जो पैसा है वो सेफ है, आप जो लोन ले रहे हो वो भी सेफ है, आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये मेन उद्देश्य था आपको, ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझ में आप आने लगे होंगे, मतलब क्यों लाया गया ये समझ में आ गया होगा, और लाने के बाद क्या इसके फायदे होंगे वो भी आपको कुछ समझ में आ गया होगा। मेन प्रोविजन देखते हैं हम। मुझे लगता है दोस्तों कि यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम मेन प्रोविजन की बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में। प्रोविजन का मतलब होता है नियम, कानून टाइप का, ठीक है, तो नियम, रूल्स याद रखिए प्रोविजन का मतलब। तो मेन प्रोविजन पढ़ेंगे हम। अब हम बात करेंगे सेक्शन 6 की। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर जो सेक्शन 6 है उसमें बताया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में एंगेज, मतलब कौन कौन से ऐसे काम है जो बैंकिंग कंपनीज या फिर बैंक करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से काम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में एंगेज। तो पहला काम है, चलिए देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्टिंग एज एजेंट्स फॉर एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन और पर्सन। मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप जूम कर देता हूं। देखो दोस्तों, जो भी आप नोट करने वाले हैं वो नोट कर सकते हैं, और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। सिर्फ इसी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ₹5 की पीडीएफ है। मैं आपको अपना फोन पे नंबर और गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर आपको कमेंट कॉलम और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर याद रखिए दोस्तों, सिर्फ इस आंसर की पीडीएफ का चार्ज ₹5 है। क्लियर है वाली बात, है ना। तो इसको मैं आपको समझाता हूं कि बैंक जो होगा एक्टिंग एज एजेंट फॉर एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन और पर्सन। कहने का मतलब साफ है कि मान के चलिए कोई स्कीम है, मान के चलिए जनधन अकाउंट है, जनधन अकाउंट एक स्कीम थी जो अभी भी है, जनधन अकाउंट जो मैंने भी उससे अकाउंट खुलवाया हुआ है,
तो ये जब 2015 में आई थिंक 14 या 15 में ये स्कीम आई थी जनधन अकाउंट, इसमें क्या था कि गवर्नमेंट का मेन फोकस ये था कि हर आदमी का अकाउंट खोले, क्योंकि बैंक में हर आदमी का अकाउंट नहीं था, हर बच्चे का अकाउंट नहीं था। आज के समय में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, हर घर में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का अकाउंट मोस्टली देखने को आपको मिलेगा बैंक में। तो ये बैंक की एक स्कीम थी, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा अकाउंट किसके हैं, जनधन अकाउंट सबसे ज्यादा जिसने खुले हैं वो SBI ने खुले। तो SBI ने एजेंट की तरह काम किया इसमें, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, इसको फॉर्मुलेट करने में, इसको इंप्लीमेंट करने में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना। तो इसने जो काम किया है वो एजेंट की तरह काम करा है, ठीक है ना। ऐसे ही आप एक चीज देखते हैं, लोकल अथॉरिटी मान के चलिए कोई कंपनी है, वो कोई काम करवाना चाहती है या अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बिकवाना चाहती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस पॉलिसी बिकवाना चाहती है बैंक के थ्रू, तो बैंक वहां पर एजेंट की तरह काम कर सकता है। कई बार क्रॉस सेलिंग में ये चीज देखी जाती है कि बैंक्स जो है वो सिर्फ डिपॉजिट का और उधार देने का काम नहीं करते, क्रॉस सेलिंग भी करते हैं, वो इंश्योरेंस भी सेल करते हैं, वो म्यूचुअल फंड भी पैसा भी लगवाते हैं, वो शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट और ये सब भी खुलवाते हैं, ट्रेडिंग भी करवाते हैं। तो ये एजेंट की तरह काम कर सकता है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बताया गया है कि बैंक बैंकिंग कंपनी एजेंट की तरह काम कर सकती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के बीच में या लोकल अथॉरिटी या पर्सन टू पर्सन के बीच में। क्लियर है वाली बात। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको पहला वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है इफेक्टिंग इंश्योरिंग गारंटिंग अंडरराइटिंग पार्टिसिपेटिंग एंड इन मैनेजिंग एंड केयरिंग आउट ऑफ एनी इश्यूज। इसको बहुत अच्छे समझाता हूं मैं। तो इससे इसको ये सेकंड वाला जो पॉइंट है इफेक्टिंग इंश्योरिंग गारंटिंग अंडरराइटिंग पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजिंग एंड केयरिंग आउट ऑफ एनी इशू, मैं इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अभी आपने देखा होगा पेटीएम का IPO लॉन्च हुआ था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। LIC का IPO लॉन्च हुआ था, है ना। तो उसमें क्या करते हैं ये जो बैंक हैं, बैंक्स हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, तो ये मैनेज कर सकती हैं, है ना। जो इशू होगा ना, जो अपन पहली बार जो कंपनी लिस्ट होगी शेयर मार्केट में, उसका पूरा बैकहेंड संभालेंगी, उसका पूरा मैनेजमेंट संभालेंगी, ये वाला काम भी कर सकती हैं, है ना। इफेक्टिव इंश्योरिंग गारंटिंग अंडरराइटिंग पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजिंग, मतलब उनको मैनेज करने वाले काम को ये अच्छे बखूबी निभा सकती हैं। जो भी नया इशू कंपनी, कोई भी नई होने वाली है, उसको पूरा मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है कौन, बैंकिंग कंपनीज या बैंक्स। क्लियर है वाली बात, है ना। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया ये वाला पॉइंट। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इसको देखते हैं हम। तो द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड अल्टरेशन ऑफ एनी बिल्डिंग्स वर्क्स नेसेसरी और कन्वीनियंट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी। क्या मतलब हुआ इसका, मैं समझाता हूं आपको। एक्विजिशन का मतलब होता है खरीद लेना, कंस्ट्रक्शन समझते हैं आप, मेंटेनेंस समझते हैं, अल्टरेशन का मतलब परिवर्तन, ऑफ एनी बिल्डिंग्स वर्क्स नेसेसरी और कन्वीनियंट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी। मान के चलिए इनकी खुद की कंपनी है, तो ये मान के चलिए किसी कंपनी को खरीद भी सकते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं उस कंपनी का, है ना, जो भी इनके लिए फेवरेबल होगा, या अपनी कंपनी का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसको एक जगह दूसरे का अल्टरेशन परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, ऑफ एनी बिल्डिंग वर्क नेसेसरी और कन्वीनियंट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी। मतलब इनको जैसा सही लगेगा, इनके उद्देश्य के अनुसार, इनके कन्वीनियंट के अनुसार, इनकी जरूरत के अनुसार, या अपनी कंपनी को, अपने बैंक को एक जगह से दूसरी जगह एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम ये सब करवा सकता है कौन, बैंक करवा सकता है, खुद के लिए कर सकता है, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी नेसेसिटी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। क्लियर है वाला पॉइंट, है ना। ये मेन प्रोविजन है, टोटल 10 पॉइंट्स में कवर कर रहा हूं, 10 प्रोविजन कवर कर रहा हूं टोटल में। तो ये तो आपको सभी ने पढ़ाया होगा कि द बोरोइंग राइजिंग और टेकिंग अप ऑफ मनी, मतलब वही डिपॉजिट लेते हैं और उधार देते हैं, तो ये तो जग जाहिर काम है बैंक का, जो सभी जानते हैं। चलिए अब हम फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है द लेंडिंग और एडवांसिंग ऑफ मनी आइदर अपॉन और विदाउट सिक्योरिटी। कहने का मतलब यह है फिफ्थ पॉइंट का कि लेंडिंग मतलब लोन देना, और एडवांसिंग का मतलब भी लोन देना होता है, पर लेंडिंग लोन देना होता है, एडवांसिंग बिजनेसमैन को दिया जाता है ना, एडवांस ऑफ मनी आइदर अपॉन और विदाउट सिक्योरिटी। मतलब ये सिक्योरिटी पर भी दिया जाता है लोन, और विदाउट सिक्योरिटी पर भी लोन दिया जाता है। जैसे एजुकेशन लोन होता है वो विदाउट सिक्योरिटी पर रहता है, पर उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, कुछ अमाउंट रहता है, एक अमाउंट के बाद उसमें भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना। तो कभी मैं अगर आपको पूरा बैंकिंग समझाऊंगा, तो मैं आपको लेंडिंग और एडवांसिंग समझाऊंगा, यदि अभी समझाता हूं तो थोड़ा समय चला जाएगा, इसलिए अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लेंडिंग और एडवांसिंग सेम चीज है, ये लोन देना ही है। तो ये सिक्योरिटी पर भी दिया जाता है, मतलब सिक्योरिटी मतलब आपने जमीन गिरवी रख दी, या फिर आपने अपनी कार गिरवी रख दी और उस पर लोन ले लिया, या अपने घर अपना गिरवी रख दिया उस पर लोन ले लिया, या आपने कोई गहने हो गए आपके, आपका कोई एसेट हो गया, आपकी कोई दुकान हो गई, उस पर आप सिक्योरिटी उसको कहा जाता है। क्लियर है वाली सिक्योरिटी समझते हो ना, इसमें एसेट आ सकती है, कोई भी जमीन हो गया, फैक्ट्री हो गई, है ना, ऑटो कार, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। क्लियर है वाली बात, कोई दिक्कत नहीं आता, आगे बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट पर। तो सिक्स पॉइंट है हमारा द ग्रांटिंग एंड इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स एंड सर्कुलर नोट्स, ठीक है। तो द ग्रांटिंग एंड इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, तो इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट पूरा एक टॉपिक है अलग से, पर अभी इतना समझ लीजिए कि इसका जो यूज है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किया जाता है, जब पेमेंट हमको थोड़ा हमें समय चाहिए हो तब हम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, तो ये पूरा एक टॉपिक है ना। तो ग्रांटिंग ये भी काम बैंक करता है, इशू करना, ग्रांटिंग करना, इशू करना, मतलब एक तरीके से देना लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये बाहर का बैंक, जो विदेश का बैंक होता है और जो हमारा इंडिया में जो बैंक होता है, इन दोनों के बीच में लेटर ऑफ क्रेडिट का आदान प्रदान होता है, इसका पूरा टॉपिक है, कभी समय मिलेगा बैंकिंग आपको पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा आपको मैं, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये भी लेटर ऑफ क्रेडिट भी देने का काम बैंक का ही होता है। बात करें हम ट्रैवलर चेक की, तो ट्रैवलर चेक एक बैंक तो कम इसको इशू नहीं करता, इसको बेसिकली बैंक भी इशू करते हैं, पर मोस्टली ये ट्रैवलिंग कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं, जैसे कि जो कोई भी ट्रैवलर है उसको ज्यादा कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये ट्रैवलर चेक होता है जिससे वो जो अपनी लोकल करेंसी से भी दूसरी कंट्री में सर्वाइव कर सके, तो ये ट्रैवलर चेक होता है। सर्कुलर नोट्स भी जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, वैसे उसी टाइप का काम। अब बात करते हैं हम सेवेंथ पॉइंट की, बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन बुलियन एंड स्पीसी। तो बुलियन और स्पीसी का मतलब क्या होता है, बुलियन गोल्ड और सिल्वर को कहा जाता है ना, तो उसमें भी ये बाइंग सेलिंग डीलिंग करते हैं। स्पीसी एक कॉइन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा आभूषण टाइप के जो कॉइन्स होते हैं ना, उसमें भी ये डीलिंग करते हैं, है ना, कॉइन होता है, बेसिकली स्पीसी कॉइन को कहा जाता है। कुछ ऐसे कॉइन्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना उस तरीके से, तो ये बाइंग सेलिंग डीलिंग ये बुलियन में भी करते हैं, बुलियन हो गया, सिल्वर और गोल्ड आ जाता है, सिल्वर गोल्ड इसके अंदर, और स्पीसी में कॉइन आ जाता है, तो उसमें भी ये बाइंग सेलिंग और डीलिंग करता है कौन, बैंक। एट पॉइंट की बात करते हैं, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स।
तो ये बाइंग एंड सेलिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स नोट्स की, है ना। तो आपने देखा होगा कई बार बैंक्स दूसरे डॉलर भी हमको प्रोवाइड कर देते हैं, इंडियन करेंसी हम उनको देते हैं, तो है ना। तो 8th पॉइंट मैंने आपको कवर कर दिया था जिसमें आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स की, मतलब आपको दूसरे डॉलर्स भी मिल जाएंगे, दूसरी करेंसीज भी मिल जाती हैं बैंक्स में। 9th पॉइंट है द कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मनी को सिक्योरिटीज को ट्रांसफर भी करते हैं बैंक्स, है ना, द कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज। देन 10th हमारा लास्ट पॉइंट है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये सारी चीजें करिएगा क्योंकि मेहनत बहुत लगती है एक वीडियो क्रिएट करने में। डूइंग ऑल अदर थिंग्स एज आर इंसिडेंटल और कंडक्टिव टू द प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो जो बैंक्स कर सकता है वो सारी चीजें वो करता है खुद के प्रमोशन के लिए, खुद को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, खुद के बिजनेस की। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और रीच बढ़ती है वीडियोस की गाइस। थैंक यू सो मच।